कोटा में भी आज भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। नए कोटा क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, विधायक संदीप शर्मा सहित कई नेता शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी भी बड़ी तादाद में शामिल हुए। सभी ने ब्राह्मण एकता बताते हुए शोभा यात्रा को भव्य रूप दिया। शोभा यात्रा का नए कोटा क्षेत्र में जगह जगह स्वागत किया गया। कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक सोने मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और नकदी और ज्वेलरी सहित 1 करोड़ का माल चोरी करके रफू चक्कर हो गए। मकान मालकिन परिवार सहित कोटा से जयपुर गई हुई थी। इसी दौरान पीछे से चोरों ने वारदात को अंजाम दे डाला। हालांकि फरियादिया द्वारा दी गई रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया है कि कुल कितने का माल चोरी हुआ है। चोरी की बड़ी वारदात होने के बाद उच्च अधिकारियों ने भी मकान का जायजा लिया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। कोटा पुलिस ने एक बार फिर गुमशुदा मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया है। विभिन्न ब्रांड के करीब 160 मोबाइलों को सिटी एसपी शरद चौधरी ने धारकों को सुपुर्द किया। बरामद किए गए इन सभी 160 मोबाइल की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई है। कोटा शहर के द्वितीय सर्किल के भीमगंज मंडी रेलवे कॉलोनी, कुन्हाड़ी और नयापुरा थाना इलाके की पुलिस ने ये सभी मोबाइल बीते महीनों में बरामद किए और आज सभी उनके धारकों को सुपुर्द किए गए। गुमशुदा मोबाइल वापस मिल जाने से धारकों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। सिटी एसपी ने गुमशुदा मोबाइल बरामद करने वाली टीमों को 5,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। कोटा में आज एक बाइक सवार कांस्टेबल को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और उपचार किया गया। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल शेर सिंह अपने घर से नयापुरा थाने में ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान बड़ तिराहे के पास ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ऑटो चालक ऑटो से फरार हो गया। कोटा में आज रायपुरा इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में घायल युवक बंटी को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। घायल युवक बंटी के छोटे भाई की दुश्मनी हमलावर उससे थी। उसी का बदला लेने के लिए बड़े भाई पर हमलावरों ने हमला बोला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा की सोसाइटी हैज इव शी इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के गौरवशाली 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में रंगबाड़ी अजय आहूजा नगर के जगन्नाथ मंदिर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2023 के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम अपने ग्रह में निवेश करें पर फैशन शो व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर निधि प्रजापति सोसाइटी ने कहा कि ट्रस्ट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऐसी बालिकाओं ने फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई, जिन्होंने शायद ही कभी विद्यालय में अवसर पाया हो। कल 24 अप्रैल से प्रदेश भर में लगाए जाने वाले महंगाई राहत कैंप की तैयारियां कोटा में भी मुकम्मल की गई हैं। कलेक्टर ओपी बुनकर ने आज पत्रकारों से मुखातिब होकर कोटा में आयोजित होने वाले कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महंगाई राहत कैंप कोटा में 60 स्थायी जगह लगाए जाएंगे, जबकि 16 मोबाइल कैंप हर रोज विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर सरकार की योजनाओं के चयनित लोगों के रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे गैस सिलेंडर योजना का लाभ मिलेगा 1 अप्रैल से ही, उसका पंजीयन 30 जून तक कभी करा लेगा,
एक अपडेट का लाभ मिल जाएगा, 2 महीने का एरियर उसको क्लेम करना पड़ेगा। निःशुल्क बिजली योजना का लाभ 1 जून से मिलेगा। कस्बों के लिए निःशुल्क बिजली है 2000 यूनिट, उसका 1 जून से मिलेगा। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, ये 25 मई से लाभ मिलेगा। पेंशन का लाभ 1 जून से मिलेगा। और ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 30 मार्च से मिलना चालू हो गया। अब पंजीयन जो करेगा उसका और उसको मालूम पड़ जाएगा मुझे किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। उन योजनाओं का पंजीयन ऑनलाइन वो हाथों करेंगे, निःशुल्क करेंगे, और पंजीयन करने बाद हाथों हाथ दूसरे काउंटर जो चल रहा है उसके बराबर में उस पर पंजीयन का। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।